नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा आलोक पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूडाइस प्लस के नवीनतम संस्करण में आपने इस वर्ष 22-23 के अंदर जो यूडाइस प्लस भरा है उसके दो चरणों को आपने पूरा कर लिया है। पहला चरण था विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करने का, जो कार्य आप कर चुके होंगे। उसके बाद आपने टीचर्स प्रोफाइल को भी अपडेट किया होगा और उसके बाद में डेटा को लॉक किया होगा। लेकिन तीसरा चरण और अत्यंत महत्वपूर्ण और विस्तृत चरण है स्टूडेंट मॉड्यूल, जिसमें आपको सभी विद्यार्थियों की सूचनाएं इस बार डिटेल रूप में भरनी है, जो कि बहुत ही कठिन कार्य है। अन्य राज्यों में इस मॉड्यूल को पहले ही प्रारंभ किया जा चुका है, लेकिन राजस्थान में अभी ये प्रारंभ नहीं हुआ है। उसके पीछे भी कारण है, अन्य राज्यों में हमारे राज्य की तरह शाला दर्पण मॉड्यूल नहीं है, तो हमारे सरकार ने यूडाइस प्लस और शाला दर्पण का कोलैबोरेशन करने का प्रयास किया है, ताकि आपको स्टूडेंट मॉड्यूल को भरने में कोई कठिनाई नहीं हो। बहुत सारे विद्यार्थियों के डेटा भर पाना बहुत ही दुष्कर कार्य है, जटिल कार्य है। इसको सरल बनाने के लिए शाला दर्पण पर कुछ परिवर्तन किए गए हैं। मैं उसी की जानकारी देने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, और वो कार्य आप अवश्य रूप से कर लें, ताकि आप यूडाइस प्लस का SDM मॉड्यूल, स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल को आप पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक भर पाएं। पहले मैं आपको एक बार यहाँ पर थोड़ी झलक दिखा देता हूँ कि क्या परिवर्तन किए गए हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस बार यूडाइस प्लस में जो परिवर्तन किया गया उसको एक बार देख लें। आप सर्च करें गूगल में यूडाइस प्लस 22-23, तो जो लिंक आएगा उसको आपको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आप इस प्रकार के इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे। यहां पर जाने के बाद जब आप लॉगिन बटन को सेलेक्ट करेंगे, तो यहां आप दो मॉड्यूल्स को पूरा कर चुके हैं, जो कि प्रोफाइल है विद्यालय का उसको और टीचर मॉड्यूल को। ध्यान से देखिएगा, टीचर मॉड्यूल आपने पूरा कर लिया है और विद्यालय प्रोफाइल पूरा कर लिया है। उसके नीचे आपको एक मॉड्यूल और दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट मॉड्यूल, जिस पर अभी कार्य करना आपको बाकी है। तो यहाँ पर जैसे आप आते हैं, यहाँ स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहता है, तो आप अपना राज्य जब सेलेक्ट करते हैं, राज्य जब सेलेक्ट करते हैं तो एक अलग सी बात होती है। वो देखिए क्या है कि ये आपको एक अदर लिंक पर लेके जाएगा, लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS मॉड्यूल राजस्थान। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको शाला दर्पण पोर्टल पर लेकर जाएगा। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से स्टूडेंट मॉड्यूल को पूर्ण करने के लिए यूडाइस प्लस को शाला दर्पण से लिंक किया जाएगा, ताकि आप आसानी से स्टूडेंट मॉड्यूल का कार्य पूरा कर सकें। और यही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब शाला दर्पण को लिंक करने के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है, और उसी की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आपको अपने विद्यालय के शाला दर्पण लॉगिन में लॉगिन करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ उस प्रक्रिया को, लिंक करने की प्रक्रिया को आप कैसे पूर्ण करेंगे। इसके लिए आप स्कूल लॉगिन में लॉगिन कर लें, आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड इंसर्ट करके जैसे आप रूटीन में लॉगिन करते हैं वैसे आप लॉगिन कर लें। जैसे आप आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड डालकर इंसर्ट करेंगे, लॉगिन बटन को प्रेस करेंगे, आप डैशबोर्ड पर, तो यहाँ विद्यालय के डैशबोर्ड पर आपको एक परिवर्तन दिखाई देगा। यहाँ इम्पोर्टेंट नोट्स को आप देखिए, जो बात मैं आपको बता रहा था कि वर्तमान में शाला दर्पण को यूडाइस प्लस से लिंक करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, उसका टैब भी यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ आपको इसको वेरीफाई करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप इसको वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपके विद्यालय का शाला दर्पण यूडाइस से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, और यूडाइस से जब कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो आप यूडाइस से
के एसडीएम मॉड्यूल को पूरा नहीं कर पाएंगे, यानी स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। क्लिक हेयर टू वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है और आपके विद्यालय का जो भी यूडाइस कोड है वो आपको इंसर्ट करना है। हमने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक स्क्रीन कंफर्मेशन स्क्रीन खुलेगा, विद्यालय शाला दर्पण। यहाँ पर निम्न डाटा प्रदर्शित होंगे। सबसे पहले शाला दर्पण के अनुसार आपके विद्यालय का नाम प्रदर्शित होगा और शाला दर्पण की आईडी यहाँ पर प्रदर्शित होगी और यूडाइस कोड होगा। आप यूडाइस कोड को मिला लें कि आप के विद्यालय का जो यूडाइस कोड है क्या वही यहाँ प्रदर्शित हो रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें और यदि सही है तो हाँ पर क्लिक करें। चलिए एक बार आप अपने अपने विद्यालय की फटाफट से चेक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपके विद्यालय का यूडाइस कोड यहाँ सही दिया हुआ है अथवा नहीं। मैंने भली भांति चेक कर लिया है, मेरे विद्यालय का यूडाइस कोड सही है, तो इसको कंफर्म करते हुए मैं हाँ पर क्लिक करूँगा। हाँ पर क्लिक करूँगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होकर नीचे आपको आपके विद्यालय के बारे में कुछ सूचनाएँ मांगेगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपका यूडाइस कोड गलत है तो यहाँ आप नहीं पर क्लिक करें। नहीं पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे आपके विद्यालय का यूडाइस कोड जो सही यूडाइस कोड है वो मांगेगा और जब सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय को सर्च करके दे देगा ये, और उसी के अनुसार यहाँ पर अपडेशन हो जाएगा। लेकिन मेरे यहाँ पर ये नाम सही है तो मैं हाँ पर क्लिक करूँगा और हाँ पर जब क्लिक करूँगा तो नीचे कुछ सूचनाएँ बता रहा है ये, उनको मुझे वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, चेक करना है। मैं फटाफट से आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो डेटा को जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पा रहे हैं कि हमारे विद्यालय का नाम शाला दर्पण के अनुसार यहाँ ये दिया हुआ है जो कि सही है और शॉर्ट फॉर्म में यूडाइस पे भी वही नाम है लगभग, तो ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर विलेज का नाम है और यहाँ पर विलेज का नाम है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी त्रुटि है, विलेज रोजड़ी तहसील फुलेरा दूदू आ रहा है, लेकिन वर्तमान में दूदू की जगह हमें करना है सांभर लेक। विलेज सही है, पोस्ट सही है, रोजरी सही है, तो अपेक्षित परिवर्तन हमें जो करना है वो है यूडाइस डाटा को एक्सचेंज करना है शाला दर्पण डाटा से, शाला दर्पण डाटा में परिवर्तन करना है, तो शाला दर्पण डाटा में हमें परिवर्तन करना है और स्कूल का ईमेल सही है, कोई परिवर्तन नहीं करना है और बाकी अन्य सभी डिटेल सही हैं। तो अन्य सभी डिटेल जब सही हैं, परिवर्तन किसमें चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लें तो वो परिवर्तन सही हो जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए आपको यूडाइस डाटा में परिवर्तन करना है तो शाला दर्पण वाला यूडाइस पर आ जाएगा और शाला दर्पण वाले डाटा में परिवर्तन करना है तो यूडाइस का जो डाटा है वो शाला दर्पण में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे, सबमिट करेंगे और सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाटा अपडेट हो जाएगा। ये हमने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया, बाकी डिटेल्स हमारे सही हैं। आपके द्वारा प्रविष्ट किया गया डाटा सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया गया है और क्लोज बटन पर आप जब कर देंगे तो आपके सारी डिटेल बिल्कुल सेव हो जाएंगी। तो ये अपेक्षित परिवर्तन आप सभी को करना है। यदि आप नहीं करेंगे तो आपका शाला दर्पण का लिंक नहीं हो पाएगा और आप SDMS यानी स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर कार्य नहीं कर पाएंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इसी प्रकार की नवीनतम जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक नवीन जानकारी के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।